गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सतनाम फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिंग रोड सिरसा। स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो हिंदी का सिलेबस है, जो आप लोगों के टेस्ट में आना है, क्लास टेस्ट में, वो हम लोग जितना कवर कर चुके हैं उसी में से आप लोगों का टेस्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब आज जो आप लोगों की काव्य खंड है उसमें कबीर है, मीरा है, सुमित्रा नंदन पंची द्वारा रचित वे आंखें कविता है और भवानी प्रसाद मिश्र जी की घर की याद कविता है। ठीक है, अब देखिए जो घर की याद कविता है उसमें भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में बंद हैं, ठीक है, और उनको अपने परिवार वालों की याद आ रही है। उनके परिवार में उनके बहनें हैं, माता पिता हैं, उनकी बहनें और उनके भाई हैं। ठीक है, उनको अपने भाई की याद आ रही है, बहनों की और अपने माता पिता की। वो सावन से बातें कर रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी और बता रहे हैं कि हे सावन, तू मेरे घर जाकर बरस और मेरे परिवार वालों की जो खबर है वो मुझे दे, उनके बारे में उनका हालचाल आकर मुझे बता। और वो सावन से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सावन, तुझे जितना मेरी आंखों में बरसना है, कि यानी कि कहने का अर्थ क्या है उसका कवि का, कि जितना मेरी आंखों में तुझे अपने मुझे अपने परिवार वालों की याद आनी है वो तू आ, लेकिन मेरे परिवार वालों को मेरी याद मत दिलवाना, यानी कि मेरे बारे में कुछ भी मत बताना कि मैं यहाँ जेल में कैसा हूँ। तुम जाकर मेरे वहाँ घर के आंगन में बरसो। ठीक है, जो कवि है वो अपने माता पिता के बारे में उनको याद कर रहा है और बताना चाह रहा है कि जो उसके पिता हैं वो अभी भी उनकी आवाज़ में शेर जैसी दहाड़ है, और उनकी माता की जो लोरियां हैं, उनकी माता जो उनको दुलार करती थी, वो अभी भी उनको जेल में याद आता है। जो कवि है वो जेल में बैठकर अपने सारे परिवार वालों को याद कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अच्छे से जितना भी आप लोगों का सिलेबस हो चुका है, चाहे वो पोएट्री का है या रीडर का है, ठीक है, गद्य और पद्य खंड दोनों आपने अच्छे से लर्न करने हैं। और जो आप लोगों की हिंदी व्याकरण में हमने फीचर रिपोर्ट और समाचार लेखन किया है वो भी आप लोगों ने अच्छे से रिवाइज करना है और बिल्कुल ऑनेस्टी से टेस्ट देना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।